साथियों, दैनिक जागरण आज 5 फरवरी 2021 को कुछ भर्ती से संबंधित जानकारी है जो हम आपको देना चाह रहे हैं यदि आपने नहीं पढ़ा है। साथियों, पीसीएस परीक्षा 2021 उसके आवेदन अर्थात रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो गए हैं। सम्मिलित राज्य अवर प्रवर अधीनस्थ सेवा पीसीएस परीक्षा 2021 और इसके साथ जो सहायक वन संरक्षक एसीएफ यानी क्षेत्रीय वन अधिकारी आरएफओ परीक्षा 2021 के लिए ऑनलाइन विज्ञापन आज से शुरू हो गए। साथियों, इसकी अंतिम तिथि जो है वो 5 मार्च निर्धारित की गई है। ये पीसीएस की जो परीक्षा है, प्रारंभिक परीक्षा 2021 आयोग का जो कैलेंडर है उसमें 13 जून को प्रस्तावित है। इसमें साथियों, आयोग को अभी तक जो है 400 पदों का अधियाचन मिल चुका है, वहीं पर एसीएफ के 1 और आरएफओ के 15 पदों के लिए अधियाचन अब तक मिल चुका है। लेकिन साथियों, इसमें बढ़ोतरी होती रहती है और हो सकता है इसमें कुछ पद और बढ़ें। इसी प्रकार से एक दूसरा समाचार प्रकाशित हुआ है, वो है समूह गा के भर्ती के लिए। उसकी जो प्रारंभिक अर्हता है यानी एलिजिबिलिटी है, योग्यता है, उसको तय कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने समूह गा के पदों पर जो भर्ती की जो प्रारंभिक एलिजिबिलिटी है, योग्यता है, अर्थात इसको पेट कहा जाता है, इसके लिए पाठ्यक्रम तय कर दिया है। अपर मुख्य सचिव नियुक्त एवं कार्मिक की अध्यक्षता में एक बैठक हुई जिसमें की सहमति बन गई। साथियों, इस नई व्यवस्था में परीक्षा जो होगी वो 2 घंटे की होगी और इसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और गलत जवाब देने पर निगेटिव मार्किंग की भी व्यवस्था की गई है। 1 सवाल गलत होने पर 1/4 अंक काट लिया जाएगा। साथियों, इसमें भारतीय इतिहास, भारतीय आंदोलन, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान, लोक प्रशासन, सामान्य विज्ञान से संबंधित सवाल जो है वो पूछे जाएंगे। साथ ही कक्षा 8 तक की जो प्रारंभिक अंक गणित है, तर्क एवं तर्क शक्ति है, सामान्य हिंदी, सामायिकी, सामान्य जागरूकता, गद्य विश्लेषण एवं विवेचन, ग्राफ का विवेचन एवं विश्लेषण, इससे संबंधित सवाल पूछे जाएंगे जो कक्षा 8 के स्तर के होंगे। साथियों, इसमें 6 सवाल 10-10 अंक के होंगे और शेष प्रश्न 5-5 अंक के होंगे। प्रारंभिक जो अर्हता है, एलिजिबिलिटी यानी योग्यता है, उसके परिणाम जो है परसेंटाइल के आधार पर जारी किया जाएगा। तो साथियों, ये 2 बड़ी महत्वपूर्ण सूचनाएं थी जो अखबार में प्रकाशित हुई। आप लोग संबंधित वेबसाइट देखते रहिए, कुछ महत्वपूर्ण वेबसाइट जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में दे दी गई हैं, जिनको आप समय समय पर देखते रहें ताकि आपको इसकी जानकारी होती रहे। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।